अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू रियाज किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं बांगड़ा फिश करी। चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। मैंने यहाँ 3 बांगड़ा फिश ली है, उसे कट कर लिया है और अच्छे से धोकर मसाला लगा कर रख दिया था। आपने मेरा वीडियो देखा ही होगा बांगड़ा फिश फ्राई का, बस उसी तरह से इसे मैंने मसाले लगाए हैं। तो मैं यहाँ पर एक कढ़ाई रख लूँगी गैस पर गर्म होने। तेल गर्म हो जाए तो हम फिश पहले फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ प्लेट में कुछ मसाले लिए हैं। आधी वाटी गिला खोपरा, 5 से 6 लाल मिर्च सूखी हुई, 10 से 12 कली लहसुन और 3 मीडियम साइज के टमाटर, इसका एक पेस्ट बना लेंगे। मैंने कढ़ाई में जो फिश फ्राई की थी, फिश निकाल कर उसी में 1 वाटी तेल ऐड कर लिया है, 10 से 12 कड़ी पत्ते और पिसा हुआ मसाला ऐड कर देंगे। अब एक प्लेट में 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी हम इसे भी मसालों में ऐड कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। जिसमें हमने मसाला पिसा था मिक्सर की बाटी, उसे भी थोड़ा सा पानी डालकर धोकर इसमें ऐड कर देंगे। चार से पांच कोकम स्लाइस को धोकर भिगो लिया है। अब हम इसे ग्रेवी में ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मसाला कितने अच्छे तरीके से भुन चुका है और सारा तेल इसका कितना अच्छे से ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें फ्राइड फिश ऐड कर देंगे। एक से डेढ़ गिलास पानी डालकर इसकी ग्रेवी बना लेंगे। बस एक उबाल आने तक इसे पकाए और गैस की फ्लेम ऑफ कर दें। तो लीजिए फिश करी रेडी है। तो आप भी इसे ट्राई करें और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।